स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल में। आज हम कच्चे आम का मल्टीपर्पस पना बनाएंगे। इन जनाब को कौन नहीं जानता, अभी तो ये छोटे हैं, बड़े होकर ये राजा बन जाते हैं और इनके पेड़ की पत्तियां भी हर धार्मिक कार्यक्रम में दिखाई देती हैं और इनकी टहनियां भी हवन के काम आती हैं। ये हमारे घर में लगा आम का पेड़ है जिस पर आज बंदरों ने हमला कर दिया था। कुछ आम वो लोग खा गए और कुछ गिरा के गए, मतलब कि झड़ गए। अब इन्हीं आमों को हम ले जाकर इसका पना बनाएंगे। इनमें अभी गुठली नहीं पड़ी है इसलिए इसका अचार नहीं बन सकता, तो हमने सोचा चलो पना बनाते हैं। लीजिए, उन सबको हमने अच्छे से वॉश करके छील लिया है। अब इनको डायरेक्ट हम कुकर में डाल के स्टीम लगाएंगे। कुछ काटने की जरूरत नहीं है। इसमें हम एक गिलास के करीब पानी डालेंगे। और एक सीटी आने तक वेट करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कच्चे आम में विटामिन सी भरपूर होता है और ये पेट को बहुत ठंडक पहुंचाता है। इसका सेवन करने से लू नहीं लगती और ये दांतों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। देखिए कितने आसानी से इसकी गुठलियाँ अलग हो रही हैं। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी ये फायदेमंद है और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए भी, पर लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए थोड़ा नुकसान करेगा। अब देखिए जो पल्प हमने इकट्ठा किया है उसको हम जार में डालेंगे। बस 2 चम्मच, इससे आपका पूरी एक बॉटल पना बन जाए। इसमें एक हरी मिर्च डालेंगे, हरा धनिया, पुदीना थोड़ा अच्छे से डालेंगे। पुदीने से बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और ठंडक भी रहती है। 1 टीस्पून फुल जीरा पाउडर भूजा। ब्लैक सॉल्ट, ब्लैक पेपर, और थोड़ा सादा नमक। अगर सेंधा नमक डालें तो ज्यादा अच्छा है। गुपचुप, पानी पूरी, उसमें आप यही पानी यूज कीजिए, बड़ा मजेदार लगेगा। आलू और चना थोड़ा बॉईल कर लीजिए, बस हो गया। 1 पिंच शुगर, 1 पिंच शुगर। बस अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। इस पानी को फ्रिज में स्टोर करिए, जब भी गोल गप्पे खाने का मन करे मिनटों में तैयार। इसको एक बोतल में निकाल कर इस बोतल को पानी से पूरा भर देंगे और शेक कर लेंगे। जल्दी रेडी हो गया आम पना, अब इनको ग्लास में डाल के सर्व करिए। बहुत टेस्टी है। एक बात और जान लीजिए मित्रों, ये आम की तासीर गर्म होती है इसलिए इसका अधिक सेवन न करें। इससे आपके मुंह में छाले हो सकते हैं, होठों के आसपास दाने भी आ सकते हैं और पेट में दर्द, गैस की समस्या भी हो सकती है। ये देखिए एक पूरी बॉटल भर के रेडी हो गया है। इसको
हमारे यहाँ के बच्चे लोग सोडा में मिलाकर पीते हैं। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं 10-15 दिन तक फ्रिज में, पर सच मानिए तो स्टोर हो नहीं पाएगा क्योंकि इतना टेस्टी है कि फटाफट खत्म हो जाएगा। बाय मित्रों।